माया अभिमान रामा तू माया यजमान रामा तू माया यजमान तू माया यजमान रामा तू माया यजमान रामा तू माया यजमान रामा तू माया यजमान तू माया यजमान तू माया यजमान। इस देश की मीरा बनकर जिन्होंने विश्व शांति का अभियान अपनी आख्यायिका के माध्यम से आरंभ किया, ऐसी भक्ति की भागीरथी महिमामय माँ के चरणों में आप सब लोगों की ओर से साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। और यहाँ पर उपस्थित सभी संत महंत ऋषि मुनि अतिथि और श्रद्धालु जनों को मैं राम राम करता हूँ। श्री रामचरितमानस ज्ञान यज्ञ का प्रथम दिवस और प्रथम पुष्प। मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, हर मंच पर कहता हूँ कि अगर मुंबई को व्यापार नगरी होने का गौरव प्राप्त है, पुणे को सांस्कृतिक नगरी होने का गौरव प्राप्त है, और अगर नागपुर को उपराजधानी या कि संतरा नगरी होने का गौरव प्राप्त है, तो हम अमरावती वासियों को अमरावती आध्यात्मिक नगरी होने का गौरव प्राप्त है। ये आध्यात्मिक नगरी है, ये आई अम्बा की नगरी है, ये संत गाड़गे बाबा, संत अच्युत महाराज और संत सीताराम बाबा की नगरी है। और इस नगरी में जिन जिन संतों ने, जिन जिन ऋषियों ने, जिन जिन मुनियों ने इस आध्यात्मिक नगरी को चार चांद लगाया है, उसमें माँ का नाम सर्वोपरि है। सबसे ऊपर जो है माँ का नाम अंकित किया है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अमरावती की कथा 14 वर्ष के इंतजार के बाद हमें मूर्तिजापुर में 26 जनवरी 2014 को मिली। और सतत तेरह महीने मांबा सत्संग समिति के बैनर तले इस आयोजन को सफल बनाने में मांबा सत्संग समिति जुटी हुई है। कभी तो हम गिरते रहे, कभी तो हम चलते रहे, कभी तो हम लड़खड़ाते रहे, गिरते रहे, गिरकर फिर उड़ते रहे और दौड़ते रहे, और आज हमारे बीच में माँ आ गई है। आपने देखा होगा कि रामचरितमानस में बताया कि राम की सेना वानर सेना रावण की सेना से लड़ते लड़ते जब थक जाती थी, पस्त हो जाती थी, राम के दर्शन होने के बाद उनका सारा श्रम परिवार हो जाता था, आज माँ हमारे बीच में आ गई है, हमारा सारा श्रम। आज हमारी स्थिति अयोध्या जैसी हो गई है, क्योंकि 14 वर्ष के बाद जो है माँ का आगमन अमरावती में हुआ। हम तो ऐसा मान कर चलते हैं कि माँ के रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम अमरावती में आए हैं। माँ के रूप में 16 कला के अवतार घनश्याम अमरावती में आए हुए। आप लोगों को बता दूं कि जब माँ का अमरावती में बडनेरा में जब माँ के चरण पड़े रेलवे स्टेशन पर, तो ऐसे लग रहा था कि बडनेरा स्वर्ग बन गया, ऐसा लग रहा था। सारी बडनेरा की जमीन जो प्लेटफार्म की जमीन मुखरित हो गई थी, पल्लवित हो गई थी, प्रमुदित हो गई थी, हर्षित हो गई थी, माँ के जहाँ जहाँ पर चरण पड़ते थे, जैसे कहा गया ना कि चल पड़े जिधर दो डगमग में, चल पड़े कोटि पग उसी ओर, गड़ गई जिधर भी देख दृष्टि, गड़ गए कोटि पग उसी ओर, ऐसा दृश्य जो है ना बडनेरा में था। जो भी देखता था बस देखता रह जाता था, मंत्रमुग्ध होता जा रहता था, ऐसा आलम जो था आज बडनेरा में छाया हुआ था। हम बहुत भाग्यवान हैं कि 14 साल के अनंत लंबे अंतराल के बाद जो है माँ अमरावती में आई है। और माँ के मुखारविंद से सतत नौ दिन रामचरितमानस की गंगा प्रवाहित होगी। और इस रामचरितमानस गंगा में जो आगमन, जो आचमन करेगा, जो अवगाहन करेगा, तैरेगा, डूबेगा, वो धन्य हो जाएगा। धन्य होने का समय है। साक्षात मानस गंगा बनकर माँ इस अमरावती में आई हुई। अंत में मैं इतना ही कहूँगा कि देवी हो या दुर्गा हो तुम, या लक्ष्मी का परम अवतार, देवी हो या दुर्गा हो तुम, या लक्ष्मी का प्राण अवतार, गंगा हो या जमुना हो तुम, या कि ब्रह्मपुत्रा की धार, तुम्ही बताओ कि तुम्ही कौन हो, नानक मीरा या कि
कबीर तुमने किया है भारत भर के इन भक्तों का बेड़ा पार, तुमने किया है भारत भर के इन भक्तों का बेड़ा पार, इन भक्तों की बात। हम माँ को बता देना चाहते हैं कि संपूर्ण भारतवर्ष में बसे माँ के प्रतिनिधि जो है यहाँ पर आए, कोई दिल्ली से चला आया हुआ है, कोई बरेली से चला आया हुआ है, कोई लातूर से चला हुआ है, कल बम्बई से भी लोग आएंगे, दिल्ली से भी लोग चले आएंगे, इंदौर से भी लोग चले आएंगे, जबलपुर, और सारा भारत जो है ना उत्तर से लेकर तो दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक सारा भारत जो है अमरावती में होगा, हमारी आँखों के सामने होगा। और अमरावती की धारा फिर एक भार जो है ना, अमरावती की धारा जो है ना पावन होटे की गदगद होटे। तो आइए आइए इस अमरावती में, इस पवित्र संतों की भूमि में जो है हम माँ का स्वागत करते हैं, माँ का अभिनंदन करते हैं। तो सर्वप्रथम माँ का स्वागत जो है हम संत मंडली के द्वारा करते हैं। संत इस देश के सच्चे प्रतिनिधि है, संत इस देश के ईश्वर के प्रतिनिधि है, संत है सब करिए सच मानो, जहाँ संत है वहाँ रिद्धि सिद्धि है। आंखें खोल कर देखो, ऐसे लगता है जो सदगुरु कनब धाम जो है ना यहाँ पर रिद्धि सिद्धि गरबा खेलने लगी है। तो आइए हम इस पावन भूमि में माँ का स्वागत करते हैं, संतों के द्वारा हम उसका प्रारंभ करना चाहते हैं। मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करता हूँ हरिभक्त परायण श्री रंगनाथ जी महाराज आखतवाड़ा विठ्ठल रुक्मिणी दंडी वाले, आपसे निवेदन है कि माँ का अभिवादन करें। संत परम संत श्री सीताराम बाबा की शिष्या सुश्री मंगला श्री जी, जिनके मार्गदर्शन में, जिनकी प्रेरणा से, जिनकी सलाह और सूचना के आधार पर इस यज्ञ को हम सफल बनाना चाहते हैं, सुश्री मंगला श्री जी, संत श्री सुधांशु महाराज की कृपा पात्र शिष्या कथावाचक रामप्रिया श्री जी, रविनगर हनुमान मंदिर के महंत जिनका बड़ा सहयोग हमें मिला, जिनका बड़ा साथ मिले, दौड़ दौड़ कर जो इस आयोजन को सफल बनाने में जो सहयोग देते रहे, पूजनीय सीताराम बाबा, साध्वी अर्पिता मानस भारती सांगापुर, अमरावती के प्रसिद्ध दानवीर और सामाजिक कार्यक्रमों में सदैव अग्रगण्य, जिनका नाम सबके ओठों पर है, ऐसे श्री चंद्र कुमार जी जाजोदिया उर्फ लप्पी सेठ, आपसे भी निवेदन है कि माँ का अभिवादन कर आशीर्वाद प्राप्त करें। दैनिक प्रतिदिन और दैनिक व्रत के श्री के संपादक हमारे स्वागत अध्यक्ष श्री नानक जी आहूजा से मैं निवेदन करूंगा, और नानक जी के साथ में इंदौर से विशेष रूप से पधारी हुए श्री बिहारी लाल जी गिडवानी जी से भी मैं निवेदन करूंगा कि माँ का स्वागत कर अभिवादन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। मांबा सत्संग समिति के अध्यक्ष हमारे मार्गदर्शक प्रेरक और जैन राष्ट्रीय संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुदर्शन भाऊ गांग से भी मैं निवेदन करूंगा। विश्व जागृति मिशन अमरावती मंडल के अध्यक्ष और मांबा सत्संग समिति के मुख्य संरक्षक नंदलाल जी खत्री, मांबा सत्संग समिति के कार्याध्यक्ष श्री वल्लभदास जी सारडा, मुख्य यजमान परिवार अम्बालाल ओंकारलाल जी शर्मा जिनके निवास पर शर्मा परिवार, आशीष शर्मा, आज के दैनिक यजमान श्रीमती रूपा राय, श्री मनोहर जी देशपांडे, हमारे प्रमुख आश्रयदाता जिनका बड़ा हमें सहयोग पहले दिन से ही प्राप्त होता रहा, संजय सीताराम जी अग्रवाल, श्री बालकिशन जी गट्टानी अवलिया बाबा संस्थान माँ कनकेश्वरी आश्रम उमरा, और अभी अभी बापू चिन्मयानंद जी की कथा संपन्न कराने में जिनकी अहम भूमिका रही श्री मोहित देशमुख और आशावारी देशमुख नागपुर से विशेष रूप से यहाँ पर पधारे हुए हैं, उनसे भी मैं निवेदन करूँगा कि माँ का अभिवादन कर आशीर्वाद प्राप्त करें। राम अवतार जी अग्रवाल बटनेरा, श्री मोहनलाल जी ओस्तवाल बटनेरा,
किशोर जी खंडेलवाल पुसला वाले और श्रीमती सरला जी जी सीख जी। Thank you.
Yeah.
Hare Rama, Hare Krishna.
श्री अंबा नगरी अमरावती की इस पावन धरा पर लंबे समय के अंतराल के बाद श्री राम कथा का श्री गणेश करते हुए सबसे पहले इस भूमि में जिनका नित्य निवास है ऐसी मां जगदम्बा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मां काली के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इस क्षेत्र के समस्त संत महापुरुषों के चरणों में प्रणाम, ब्राह्मण देवताओं के चरणों में प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित संत विभूतिया और तीनों देवियाँ जो महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली त्रिदेवी के रूप में यहाँ पर मंगला श्री जी, रामप्रिया जी एवं तीनों उपस्थित हैं। आपके चरणों में प्रणाम। और आप सभी के भीतर भगवान के प्रति, भगवान की कथा के प्रति जो अविरत आस्था पड़ी हुई है उस आस्था को प्रणाम। गुरुदेव की विशेष कृपा और जगदम्बा की प्रेरणा जिसके परिणाम रूप जहां तक मुझे याद है ये शायद छठवीं कथा का आरंभ होने जा रहा है अमरावती में। कम ज्यादा कुछ हो सकता है पर ये जो कथा हो रही है, होने जा रही है,
इसकी विशेषता है कुछ। जब पहली बार कथा हुई अमरावती में, वो कथा थी आप लोगों के प्रारब्ध के फल स्वरूप। उसके बाद कुछ कथाएं हुई तो काली मंदिर के शक्ति महाराज की तपस्याओं के फल स्वरूप कुछ कथाएं यहां हुई। उसके बाद जब भागवत कथा हुई, वो अमरावती वासियों के आग्रह के फल स्वरूप भागवत कथा हुई थी। लेकिन अब ये जो कथा होने जा रही है, ये केवल और केवल आप सभी के प्रेम के फल स्वरूप ये कथा होने जा रही है। ये भक्ति का फल है, ये प्रलब्ध नहीं है, ये किसी का दुराग्रह भी नहीं है, ये तो भक्ति का परिपाक है। अब तो जब ये भक्ति का फल प्राप्त हुआ है कथा के रूप में, तब तो ये कथा होनी ही थी। अब तो ये निश्चित था कि मुझे यहां आना ही था और आप सभी को राम कथा सुनाना है। अब हम भी नहीं रोक सकते थे इसको। सच तो यह है कि यह कथा इस प्रकार हो रही है कि न केवल आप लोग कथा का समय लेने का प्रयास कर रहे थे, बल्कि हम भी अमरावती में कथा हो इसके लिए प्रयास कर रहे थे। कुछ समय पहले जब अकोला में हम लोग बैठे थे निवास पर, 8-10 लोगों के साथ, तब मैंने उन लोगों से भी ये बात कही थी। मैंने कहा था कि देखो जरा अमरावती में क्या बात है, अब तो कथा होनी चाहिए। तो अब केवल आप लोग प्रयास नहीं कर रहे थे, हम भी प्रयास कर रहे थे कि अमरावती में कथा। रामचरित मानस में तुलसीदास जी ने कहा है कि जब बेहद धूप लगती है ना, उसके बाद छांव क्या है इसका महत्व समझ में आता है। वैसे भी अमरावती वासियों ने जब जब भी कथा सुनी है, बहुत ही एकाग्रता से सुनी है, मनोयोग से ही सुनी है। उस पर भी गुजरात और अमरावती, इसका तो बड़ा पुराना नाता है, बहुत पुराना नाता है, क्योंकि द्वारका और अमरावती का नाता है, द्वारकाधीश का और अमरावती का नाता। और हमने भी महाराष्ट्र में जितनी कथाएं की है, लेकिन उसमें सबसे पहली कथा अमरावती में की है। अमरावती से ही आरंभ हुआ था महाराष्ट्र की कथाओं का, जब वो हनुमान धाम या व्यायाम धाम ऐसा कुछ नाम था, वहीं से महाराष्ट्र की प्रथम कथा अमरावती में हुई। कभी योग नहीं बनता, या फिर ये भी कारण होता है कि नए लोगों को पहले हम समय देना चाहते हैं जिसको कभी नहीं दिया है। तो हो सकता है कि 10-12-15 वर्ष निकल जाए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अमरावती में कथा करना नहीं चाहते थे, या फिर अमरावती वाले करा नहीं सकते थे, ऐसी कोई बात नहीं थी।
महाराष्ट्र के करीब करीब सभी क्षेत्रों में बहुत जाना हुआ मेरा। मराठवाड़ा में इतनी कथा हुई कि अभी भी कोई वर्ष ऐसा नहीं है कि दो कथाएं मराठवाड़ा में न हुई हो। बहुत कथाएं हुई उधर, लेकिन फिर भी अकोला में बहुत कथाएं हुई। अकोला परिवार के द्वारा तीर्थों में बहुत सारी कथाएं हुई। कथाओं का लाभ, कथाओं का अवसर महाराष्ट्र ने इस शरीर को बहुत दिया है। सभी से कोई ना कोई लाभ प्राप्त हुआ है, लेकिन फिर भी अमरावती का जो स्थान है वो हमारे हृदय में है, क्योंकि यहीं से आरंभ हुआ है। यहीं से आरंभ हुआ है महाराष्ट्र के क्रम का। कथा तो प्रवाह ही ऐसा है, चाहे 15 वर्ष में एक बार हो, चाहे प्रति वर्ष हो, चाहे वर्ष में 2 बार हो या 10 बार हो, जितना भी होगा, लेकिन राम रस को पीते पीते कभी आप लोग तृप्त होने वाले नहीं है, और राम रस पिलाते पिलाते हम भी कभी तृप्त होने वाले नहीं। आप लोग एक काम करते हैं, कथा सुनते हैं, और हम दो काम करते हैं, कथा सुनते भी है और कथा सुनाते भी है। तो इसलिए वक्ताओं का कुछ विशेष अनुभव हो जाता है कथारस को लेकर के। कुछ वर्षों के बाद जब 200-400-500 कथाएं करते हैं, कुछ वर्षों के बाद वक्ता ये चाहता है, ये सोचता है, शायद सभी वक्ताओं के जीवन की ये बात है, 400-500 कथाएं हुई, उसके बाद हर वक्ता ये सोचते हैं अब थोड़ा कम करेंगे, अब थोड़ा कम जाएंगे, अब इतनी सारी कथाएं नहीं करेंगे। लेकिन वो जैसे जैसे कम करने की कोशिश करता है या कम करने की बात करता है, वैसे वैसे ये बढ़ाता ही जाता है, ये बढ़ता ही जाता है। एक बात ये भी है कि जो अपनी मर्जी से कथा करेगा, हाँ, वो जब चाहे करेगा, जब चाहे बंद कर देगा, जब चाहे बढ़ा देगा, जब चाहे घटा देगा, लेकिन जिसके माध्यम से इष्ट कथा करवाता है उसकी कुछ बस नहीं चलता है, इसका बस नहीं चलता। जब गुरु कृपा ही कराती है कथा को, तब इसे घटाना है या बढ़ाना है, इन निर्णय करने वाले हम कौन होते हैं? इससे कोई तृप्त होगा नहीं, चाहे जितनी कथाएं होगी, फिर भी राम रसम पीते रहते हैं, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंत, प्रभु अनंत है, प्रभु के गुण अनंत है। इसलिए कथा नहीं बदलेगी, फिर भी जब जब कथा का श्रवण करेंगे, हर बार भगवान के और दिव्य गुणों का हमें परिचय प्राप्त होता है। अभी तक जिन गुणों से हम परिचित नहीं थे, उन गुणों का हमें परिचय होने लगता है हर बार।
कथा वही है, वही अयोध्या, वही राम, वही दशरथ जी, वही कौशल्या जी, वही सीता जी, वही सब कुछ। लेकिन जब जब कथा सुनते हैं, चाहे कोई भी वक्ता हो सुनाने वाला, जब कथा श्रवण करोगे, हर बार भगवान के विशेष गुण का आपको परिचय प्राप्त होता है। और विशेष गुण का परिचय प्राप्त होता है तो इससे अतृप्ति और बढ़ जाती है, इसलिए कोई तृप्त नहीं होगा। इसलिए भी हम लोग राम रस से तृप्त नहीं होते। हम सभी भारतीयों के लिए राम धर्म है, राम आदर्श है, राम विचार है, राम प्रेरणा है, राम जीवन है, राम संस्कार है, राम हमारी आस्था का केंद्र है। इतना ही नहीं, राम समस्त भारतीयों की आत्मा है। हम सभी ने अपने आत्मा के साथ जोड़ दिया है, आत्मा राम है, आत्मा राम है, यानी कि राम हमारी आत्मा है, इसलिए हम आत्मा राम शब्द प्रयोग करते हैं, क्योंकि राम हमारी आत्मा है। दुनिया में जो लोग ऐसे हैं, न तो राम को मानते हैं, न तो राम को भजते हैं, लेकिन उन लोगों के जीवन में भी यदि दो चार अच्छे गुण है तो वो भी राम की देन है, वो भी राम का दिया हुआ है, उसका भी दाता राम है। इसलिए दाता एक राम, जो राम को नहीं भी मानते पर उनके जीवन में भी जो गुण है वो गुण ये राम की देन है, रामचरित्र का ये प्रदान है। इसलिए राम आत्मा है, राम जीवन है, राम चरित्र से अलग कोई भारतीय हो ही नहीं सकता। वास्तु में राम को अपनाना, राम के चरित्रों को अपनाना और राम के गुण को अपनाना ही भारतीयता का परिचय है, वही भारतीय है जिसने राम को अपनाया है। भारतीय बनने का तरीका क्या? बस राम के गुणों को समझ लो, राम के गुणों को सुन लो और राम के गुणों को आत्मसात कर लो, राम के गुणों को अपने व्यवहार में धारण कर लो, क्योंकि राम के गुण को धारण करना ही धर्म है। रामो विग्रहवान धर्म। श्री राम धर्म की प्रतिमूर्ति है, जहां राम नहीं वहां धर्म नहीं। चाहे आपके इष्ट कृष्ण हो, शिव हो, देवी हो, सूर्य हो, कोई भी हो, लेकिन आपके व्यवहार में राम नहीं तो धर्म नहीं, क्योंकि धर्म वही है जहां राम है, जहां राम है वही धर्म है। रामो विग्रहवान धर्म। राम को अपनाना ही धर्म को अपनाना है। किसी भी देवी देवता के उपासक आप तभी बन सकते हैं जब आप धर्मात्मा बने, पहले धर्मी बने। जो धर्मी नहीं है वो तो देवी का भी भक्त नहीं हो सकता, महादेव का भी भक्त नहीं हो सकता। किसी भी इष्ट के उपासक आप कैसे हो सकते हैं यदि आप धर्मी नहीं है? तो
धर्मी है तो आप हनुमान जी के भक्त हो सकते हैं, महादेव के भक्त हो सकते हैं, शक्ति के उपासक हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपका धर्मी होना तो नितांत आवश्यक है। जो धर्मी नहीं वो तो किसी का भी उपासक नहीं हो सकता। न राम न कृष्ण का, न देवी का, न किसी का, न माता पिता का। जो धर्मी है वो ही उपासक तो हो सकता है। मतलब ये है कि राम को व्यवहार में धारण करो, उसके बाद आप चाहे जिस देवता की उपासना करो, आप उनकी कृपा को प्राप्त कर पाओगे, आप उनकी सिद्धियों को प्राप्त कर पाओगे, आप उनकी प्रसन्नता को प्राप्त कर पाओगे जिनकी उपासना आप करते हैं। उनकी कृपा और प्रसन्नता को प्राप्त करना है तो पहली आवश्यकता है धर्म। धर्मी बनो और सूर्य की उपासना करो तो कोई सिद्धि प्राप्त होगी। धर्मी बन जाओ और फिर हनुमान जी की उपासना करो तो कोई सिद्धि प्राप्त होगी, शक्ति प्राप्त होगी। धर्मी ही नहीं है तो किसी भी उपासना में आप कैसे सफल हो सकते हैं? तो धर्मी होना मतलब है राम को अपनाना। इसलिए भारतीय संस्कारों की जड़ है राम, भारतीयता की नींव में है राम। किसी भी देवता की उपासना के पहले आपको अपनाना होगा राम के गुण को, राम की मर्यादाओं को, राम की सादगी को, राम जी के शील को, राम जी की पवित्रता को, राम जी की निष्ठा को पहले धारण करना पड़ता है। इसलिए सभी ने यही कहा है कि चाहे जिसे भजो, दिन रात गिरधर का नाम जपने वाली मीरा, लेकिन वो कहती है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मेरो मन राम ही राम रटे। क्योंकि भारतीयता की जड़ राम है। पहले राम के गुणों को धारण करना होगा, पहले राम को समझना होगा। भज मन राम चरण सुखदाय, भज मन राम चरण सुखदाय, भज मन राम चरण भज मन राम चरण सुखदाय, भज मन राम चरण सुखदाय, भज मन राम चरण सुखदाय। जटा